अभी शामिल नहीं हुए कार्यक्रम में? मुल्ला जी सैयद बाबा। इधर देखो मेरी तरफ है, पकड़ लेते बार बार। नहीं जाना कहाँ है? अच्छा मार रहा है, सब बर्बाद कर दूंगा। जी उठो, उठो दो। हाँ कैसे बर्बाद करोगे? पैसे नहीं मुझे देता। पैसे पैसे की कमी पड़ जाता हूँ। अरे पैसे खा जाते हो? हाँ सब खा जाता हूँ। नौकरी इसके पति की इतनी आई, सारा टेम्पो चला रहा है, सब मैं खा गया। सरकारी नौकरी आने वाली थी लेकिन मैंने सब खा गया, सब शुरू से खा रहा हूँ। अच्छा घर वाले है ना, उसकी भाटिया सब मॉल जाती है, जिन्नात बाबा। अच्छा और रोजा रखती है, रोजा पागल इसको बोलती है, रोजा रखवाती है। हाँ इसको बोलती है तूने मेरा दुर्गा चुरा लिया रे। बता कोई ऐसा मांग सबकी है ना, वो तो पागल है पागल। माँ तो जगह जननी होती है, सबकी होती है। मैं भी माँ बन गया, मैं इसके घर में बोलता मैं दुर्गा हूँ, ऐसे चिल्लाता था, ऐसे चिल्लाता था। ये मुल्ला जी दुर्गा बन जाते थे। मुल्ला जी बता रहे मैं दुर्गा बन जाता था और दुर्गा बन के भी पूजा सबसे करवाता था। लेकिन ये नहीं की, ये नहीं की, मेरी भुजाएं नहीं की, इसने नहीं की, बाजू पूरे घर नहीं की। अच्छा। इसने ये नहीं करती थी, बोलती थी माँ अगर होगी तभी मेरी पूजा लेना, ना तो मत लेना, ये नहीं करती थी। अच्छा फिर इसके घर वालों ने कहा तुम भी नवरात्रि रखो, बस रखने लगी, मैं तो मरने लगा, मैं मरने लगा, ये नवरात्रि करने लगी, नवरात्रि करने लगी, तुम मरने लगे, आगे बढ़ गए, मैं मरने लगा, मैं मरने लगा। नवरात्रि व्रत किए, माता प्रसन्न, मारने चालू कर दिए, माता ले आई। फिर 9 दिन का नवरात्र रखने लगी, वो मैं करने नहीं देता था, एक दिन का व्रत नहीं करने देता था। मैं ये सोचती थी मैं तो बीमार हो जाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी। इसको जो बोलती है क्यों सुन लेता है ये फट से सबका? अच्छा। बहुत जल्दी सुन लेता है, बहुत जल्दी। यहाँ आ रही है बोल रही बाबा जो होगा आप बुलवा दो, मैं नहीं जानती क्या बोलना है, बस ये तो सब क्या है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा क्या है। क्यों सुन लेता है सबका, फट से सुन लेता है ये सबका, सुन लेता है। हाँ ये जितने बैठे ना सब रोते हैं, सबके सुन लेते हैं। अच्छा सबके सुन लेते हैं। बोल गोरी सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। अच्छा पीर साहब को आगे किया जाए, मौलाना तो पिछले पीर साहब। हाँ ये पीर साहब थे, पीर साहब कहाँ छुपे थे? यहाँ छुपे थे, गर्भाशय में। पीर साहब गर्भाशय में बैठे, छाती में बैठते, सर दर्द देता हूँ, पूरे शरीर दर्द देते हो? जब देखा तो यहाँ बैठ जाता हूँ, छाती में बैठ जाता हूँ। बोलती है पीर साहब की जो सबसे पसंद वाली जगह है स्त्री का छाती, और सैयद की सबसे पसंद जगह स्त्री की योनि। इनका अड्डा है, यही सब मेरा है, इनका बटा हुआ है एरिया, एरिया बटा हुआ है। अभी देखते तुम्हारा एरिया। तो पीर साहब कहाँ के साहब हो तुम? अरे वो उसकी जेठानी लेके गई थी वो दरगाह में। हाँ, सागंज एक नाम है। तो दरगाह में ले गए तुम्हें? वहाँ दरगाह में तुम आ गए? बहुत हिंदू जाते हैं वहाँ, बहुत हिंदू। अरे मुस्लिम तो कम, हिंदू है सब तो भरे हुए हैं। अच्छा, सब तो पागल है, सब पागल है। हाँ, सब पागल है, हिंदू है पागल है। तो सब पहुँचते, हम लोग को यहाँ क्यों आते? हम क्या करें बताओ, सबको पकड़ लेते हैं जो जाता है। एक जहाँ सजदा किया चल लिए। मैं यहाँ जाती हूँ, इसके शरीर पे आ नहीं पाता था किसी में, लेकिन एक लड़की थी वहाँ। हाँ। बोलती मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। अच्छा। मैं इसके ऊपर आ नहीं पाता था, खुद की जैसे यहाँ आया बोल रहा हूँ। अच्छा, पहले आ नहीं पाते नहीं, अब तो आ गए तुम। हाँ, क्या करूँ, पकड़ा गया। पकड़ा गए? तो क्या करे तुमको? जाने दे दो। जाने दे? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। पीर साहब को जाने के पहले पहले पूरा लाया जाए खींच के। ओम में बैठा हूं। पूरा लाया जाए खींच के। आओ खींच के पूरा लाओ, पूरा इसी भी लाओ। जितने भी स्त्री पुरुषों बच्चियों में घुसा हुआ है अपनी दरगाह के द्वारा, सब जगह से खींच लिया जाए। आखिरी अंश तक खींच लिया जाए। पीर का सब जगह लाया जाए खींच। ये अपने बाहर जगह छोड़ देते हैं। मैं इसके बच्चे को एक साथ लाखों जगह रह सकता है और लाखों जगह अलग अलग बात करेगा। आज ये सब जगह से खींच के आएगा, लाखों जगह से। यही तो आपके दरबार की शक्ति है। अब यहाँ केले मार भी देते तो सब जगह बना रहता है, ये मरता नहीं है, सब जगह बना रहता है। फिर आ जाता पट से, यही होता है, कोई मार नहीं पाता, सब जगह फैले। बांध दिया जाए पूरा इसको, पीर को कटीले तारों से खींच के साहब को बांध दिया जाए। और इसके पीछे की जो परंपरा है उस्तादों की, तोड़ दिया जाए शेष पे, हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए। ओम पीर बाबा, ओ पीर साहेब। पीर साहेब, अच्छा मौलवी, ये शादी कराते थे, घर आते था पंडित। अच्छा, लेकिन पंडित थे, क्या हो गए? मौलवी बन गए। चलो पीर को आगे रखा जाए। पीर सबसे आगे, सबसे आगे पीर। आगे आप पूरे आगे हैं? अरे बोलो तो कुछ। मुंह बंद। अरे मुंह बंद हो गए। पीर साहब का मुंह बंद हो गया, पूरे आ गए ना। अभी तो बकर बकर कर रहे थे, अब पूरे आ गए पीर साहब। तो पीर साहब का मुंह खोल दिया जाए। और पीर साहब मुंह खुल गया, तुम्हारे गटर का ढक्कन खुल गया। तो बोलो, बदबू आ रही तुम्हारे मुँह से, सड़े हुए मांस की। सड़ा हुआ है, बस सड़ के मरा है, नालायक बना पीर घूम रहा है। बेटियों को भी बदबू देता है, इसके बेटियों को बदबू करता है, तेरी वजह से करता है बदबू। हाँ सर, बदबू करता है, अरे सड़ा हुआ है, मरा हुआ सड़ा, सबको आती सड़े हुए मांस बदबू, इसी वजह से आती सड़े। इसकी जो मजार है जिसमें रहता है ये कब्र, ओम दरबार की भस्म ले जाकर के पूरे इसकी कब्र छिड़क दी जाए, भर दिया। उसमें डाल दिए, जल भर दिया जाए। इसके भ्रूण भी नष्ट कर दीजिए, भ्रूण बना के रखें। इसने जो अपने भ्रूण बना के रखे हैं, बच्चे बना के रखे हैं, वो भी सब नष्ट कर दिए जाए। जो गर्भ बना के रखे हैं सब जगह, और सब जला दिया जाए। इसकी पूरी कब्र हवा में उखाड़ के जला दी जाए आग में। और मौलवी पीछे रहेगा, आगे पीर। इस पीर की सभी शक्तियाँ छीन ली जाए, सारी शक्तियाँ छीन ली जाए पीर की। और दरबार में हमेशा हमेशा जमा कर दी जाए। सैयद आगे किया जाए, सैयद भी सारी शक्तियाँ पीछे लाई जाए और इसको पूरा लाया जाए। सैयद को पूरा पीछे एक काम करिए ना, सबको एक साथ खिला दीजिए और फिर वापस डाल दीजिए सब एक। जितने मुल्ला मौलवी सैयद पीर जितने बैठे हुए हैं जोन में, दरवाजे में, अंडाशय में, सब एक साथ बाहर निकाले जाए। छाती में, बुद्धि में, सब बाहर निकाले जाए एक साथ, सारे एक साथ बाहर। बुद्धि में तो रहने दो। अच्छा, बुद्धि वाला छोड़ दो। हाँ। अच्छा, तभी तो बर्बाद करूंगा। अच्छा ठीक, बुद्धि वाला सबसे आगे निकाला जाए। और सब बाहर एक साथ आखिरी अंश तक बाहर निकाल दिया जाए। और ये सब एक साथ मैसर अवशेष स्मृति के साथ साथ अंतिम स्मृति के साथ सब निकाल दिया जाए बाहर। और ये सब माँ को खिला दिए जाए। और भाई माँ के निवाला बन गए पीर साहब, सैयद साहब, मौलवी, मुल्ला, जितने थे कहमुल्ले। बैलेंस कमजोरी आएगी। खूब बोझा ला के घूमी है। जब से शादी कर गई तो चालू हो गया। तब से कितने साल हो गए शादी के? अब लाइट ऑन कर दो बाबा पे। 20-21 साल से चल रहा है मामला ये। ससुराल में आने के बाद से चालू हो गया। बीमार तो सबका मैके कर रहा है। पता है तुमको माँ यहाँ तक लेके आई। नवरात्र व्रत करती बीमार तो नहीं करता था ताकि मैं कर ना पाओ। एक दिन के लिए भी सोचते थे कि मन में आता कि दूसरे दिन में चक्कर आएगा। हाँ। और हम बीमार हो जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, फिर बाबा मिलेगा। कोई बात कुछ नहीं, 3 बार बोलो मुँह से। आँख खोल लो बेटा, आँख खोल लो। हेलो, आँख खोल लो। सड़े ईमान से बदबू तो नहीं आ रही है? अब तो नहीं आ रही, पहले आती थी कुछ, अब नहीं आ रही। खत्म वो गया सड़ेला वाला, सड़ा हुआ वो पीर जो सड़ा हुआ था, उसकी वजह से सबको सांस में बदबू आती थी, गंदी गंदी सड़ेला गया। माँ चपट चुपका गई, गई है एक जीव निकाली चट से अंदर से। हम तो यहाँ तक आते थे, 3 बार आए हैं, लेकिन हम आपसे सोच भी नहीं समझ पाते कैसे बात करेंगे। वो समझ भी नहीं आता था आपको क्या हम बोलेंगे। सिर्फ हम बाबा जी को बोले तो भी है, बाबा जी आप वहाँ जाके बुलवाइए। दरबार तो सब देखता है तो पकड़ी देगा। ठीक है, अच्छे हो जाओगे। ठीक है, अभी अपना ब्लैक मैजिक कार्यक्रम में शामिल होना, अपना ब्लैक मैजिक कटाओ, सब जाए बेटा। ठीक है, चलो खुश। बाबा से प्रार्थना करना तब होगा। ठीक है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा।